नमस्कार, पल पल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि किसान आंदोलन को लेकर स्पेशल बुलेटिन हमारा कई दिनों से चल रहा है, तो इसी के चलते किसान आंदोलन में जैसे कि किसानों ने 6 जनवरी को जो ट्रैक्टर यात्रा करनी थी, अब 6 जनवरी की जगह 7 जनवरी को करेंगे। तो इसी संबंध में जो हरियाणा किसान यूनियन के प्रधान गुरनाम सिंह जी क्या कह रहे हैं, आइए उन्हें सुने। साथियों, जो ट्रैक्टर यात्रा का प्रोग्राम 6 तारीख का रखा गया था दिल्ली के एमपी रोड पे, वो 6 तारीख से बदलकर अब 7 तारीख का कर दिया है, क्योंकि कल की बात बताई गई है। लेकिन जिला सिरसा के रानिया में वहां कल की तैयारी वो कर चुके हैं और वहां पे कल का ही प्रोग्राम होगा। इसलिए हमारी बेनती है कि जो रानिया के आसपास के हमारे भाई हैं, वो कल वहां से यात्रा निकालेंगे, कल कहीं करेंगे तो रानिया में 10 बजे ट्रैक्टर इकट्ठे होंगे। तो जो रानिया के आसपास के भाई हैं, वो कल 10 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में ट्रैक्टर लेके रानिया में पहुंचे। वहां कल का ही प्रोग्राम तय हो चुका है और कल ही सब ने ट्रैक्टर लेके वहां जा रहा है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान आंदोलन को और तेज करने के लिए हरियाणा किसान यूनियन के द्वारा जगह जगह पर किसान रैलियां, ट्रैक्टर रैलियां निकाली जा रही हैं। तो इसी को लेकर रानिया में 8 जनवरी को ट्रैक्टर रैली से पहले जनसभा भी की जाएगी। रानिया हल्के दे लोकां नूं बेनती की जाती है कि 8 जनवरी नूं 11 बजे गाबा पैलेस के बिल्कुल नज़दीक वाले मैदान च जनसभा की जा रही है। किसान संघर्ष समिति हरियाणा वालों बेनती है कि संयुक्त मोर्चे की एक सांझी रैली राणिया च करन जा रहे हैं। सारे साथियों नूं बेनती है कि अपने ट्रैक्टरां ते झंडे ला के 8 जनवरी नूं 11 बजे गाबा पैलेस के बिल्कुल नज़दीक वाले मैदान च वड्डी गिणती च पहुंचो। किसान आंदोलन के दौरान अनेक रंग देखने को मिल रहे हैं, उनके लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं, जैसा कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से 25 एसी बसें तैयार की जा रही हैं रैन बसेरा के रूप में। तो जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा के प्रधान हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, आइए उनसे सुनते हैं कि वे क्या कह रहे हैं इस बारे में। एक होर उपराला, ये जो बसा तुसी देख रहे जे, ये किसान भरावां दे वास्ते ये बसा बनाईया गईया ने। ये रैन बसेरा बना दिता गया, ये 25 बसा जिहड़ियां आईया ने पहले लॉट अंदर 25 बसा ने। इन्हां बसा दे अंदर सारा रहण दा सौण दा तुसीं देखोगे किस तरीके सारे बैड लगा दिते गए ने, बिस्तरे लगा दिते गए ने, अंदर ही सौण दा रहण दा सब इंतजाम कर दिता गया। और ये कारपेट थले उत्ते बिस्तरे उहदे उत्ते गद्दे लगा के ये दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने जो किया है, ये 25 बसा जिहड़ियां ने ये अज हुणे असीं इत्थे लै के पहुंचे हाँ। साढ़े सारे मैंबर साहिबान नाल पहुंचे सेवा दे अंदर। ये तुसीं देखो एसी बसा ने, कल कितना नहीं गर्मियां शायद इत्थे रहना पवे, अजे पता नहीं किन्ना टाइम कढ़ना पवे। ये जो तुसीं देख रहे जे सारियां आ देखो जी, ये सारियां बसा जिहड़ियां ने ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों अज इत्थे लैण दियां गईयां ने। किसान वीरां दे वास्ते इंतजाम किया गया। सो रोज बरसात हुंदी सी, ठंड पैंदी सी, ये दिक्कत परेशानी हुंदी सी। मैं ट्रांसपोर्ट वीरां नूं भी कहना चाहुंदा, सानूं बहुत सारी अज ऑफर आईयां ने, जिहड़े साडे स्कूलां दीआं बसां देख रहे सी उहनां ने वी सानूं फोन कर करके कहा है कि वो साड़ियाँ सानू अपनी बसों कहते लै लो साढ़े तो भी। और मैं ट्रांसपोर्ट वीर कहना जे सू बसा प्रोवाइड कर सकते हैं, कृपया करके सू प्रोवाइड करो। ये बहुत व्डा आने वाले दिन के अंदर लाहेबंद होगा। सरकार ने इस एजुटेशन बड़ा लंबा कर लिया है और उन्हें लंबा किया, अभी भी लंबा करने की तैयारी की हुई है। आओ जी आओ जी, असं भी तैयारी कर ली, जिन्ना तुम लंबा करोगे उन्ना लंबा अभी भी तैयारी कर ली है। सो हमने बसा रहने वास्ते आ गई, सौन तौन का इंतजाम हो गया, ये परमानेंट इंतजाम कर दिता गया इतने दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों। इस उपराले को शेयर करो जे, मैं उम्मीद आ कि तुहानू दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का उपराला चंगा लगा होगा। इन शेयर करो और ज्यादा ज्यादा जे सू बसा प्रोवाइड करा सकते हैं, तुहाडी बहुत मेहरबानी होगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान आंदोलन में एक धार्मिक रूप भी देखने को मिला है, जैसे कि दिल्ली बॉर्डर पर गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ किया जा रहा है, देखिए आप भी इस वीडियो के जरिए। भगवान स्वामी गुरु मोक्ष सारी
तो जुड़े रहे पल पल के साथ, नई अपडेट्स के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।